साक्षात् परिब्रह्म परमात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तन विष की बेलड़ी, ये तन विष की बेलड़ी, गुरु पारस की खान, अर्शीस दिया अगर गुरु मिले तो भी सस्तो जान, शीश दिया गुरु मिले तो भी सस्तो जान। बोलो गुरुदेव की जय। तो भाइयों, माताओं और बहनों, चार कैसेटों पहले आप सुन चुका हो, आप पांचवी कैसेट शुभम स्टूडियो में मैं कर रहा हूं, जो बहुत ही सुंदर साउंड है और आवाज अच्छी देवे, कलाकार हूं, अच्छो प्रेम रखे, अच्छा बोले, अशोक का आदमी है भाई सुनील, धन्यवाद। तो आज मैं आपने वाकथा कह रही हूं कि रामदेव जी समाधि क्यों ली, कहीं कहा रामदेव जी 30 वर्ष ही रहे संसार में। अब ऐसे ही बात है, उन्होंने मालूम को नहीं कि रामदेव जी कितने वर्ष में रहे। रामदेव जी टाइम राजगिनो दिल्ली में थे, अभी ये लोगों ने पूछ दी तो भजनवाला ने मालूम को नहीं। इब्राहिम लोदी का राह था, याद कर लेना भाई, भजनवाला सुन लो तो कोई पूछ लेना थोड़े बात काम आवला चीज, कि इब्राहिम लोदी दिल्ली में थे राज करते हो, और राजा विदेश सिंह जी जोधपुर में थे राज करता है, उन टाइम रो कुछ हो। बोलो सतगुरु देव की दे। रामदेव जी महाराज सभा में बैठा सत्संग कर रहा था, बातों चीत ज्यादातर और टाइम सत्संग निकलतो, जितना भी जिन्हें पे शूद्र कहया करना छोटी जाति वाला, वो ने भेड़ा कर बैठा है और वो ने अच्छी शिक्षा दी उतार। सबसे पहले कहता भाइयों, और मनुष्य शरीर थाने मिलियो है तो इन वास्ते आप भोजन आहार शुद्ध कर लो, और आहार शुद्ध नहीं करोला, भोजन शुद्ध नहीं करोला, जब तक थरो बेड़ो पार नहीं होला। तो थे लोग राम रो नाम लो, भजन करो और आनंद करो। तो कहे संत सगराम भजन री करड़ी घाटी, आडाऊ बापा हाथ में लामी लाठी, लामी लाठी हाथ में आगे बढ़न देना है, आगे धरो जो पांडो तो देगा बढ़ने माए। क्यों कि कमाई की नी माठी, कहे संत सगराम भजनरी करड़ी घाटी। भैया भजनरी करड़ी घाटी, मैं तो धन्यवाद दू उन लोगों ने जिके कैसेट करवाए और आप लोगों ने स्वामी भेजे ज्ञान देवे कि भजन करो सत्संग करो। रामदेव जी सत्संगी करता और वारे ठों एक आदमी बुलाना है, कुमार भाभी साहब बुलावे। रामदेव जी महाराज उठ भाभी साहब खन मिलिया, बोलो भाभी प्रणाम करूं। भाभी कहे अरे मोटा मोटा पीर कही दो, काम मारो कर दो, मारे गायरे टोगड़ी ओ दीवाए दो दियो, कमा कमा कमारे कमर यद मारा। बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो, बजरंग बली की जय हो। लक्ष्मीदत्त जी बारड लिखियो है के भाभी कहू लागी मारे टोकड़ियों मर गयो जिन जीव तो कर दो। रामदेव जी कहो भाभी विधि रे विधान रे मैं कुछ आक्षेप नहीं कर सकू, विधान है ना तो ही जो उम्र इतनी थी इन वास्ते ने जीव तो नहीं कर सकू। हाँ जीव तो क्यों करो, मैं तो बुझाई हूं थारी पराई जाई हूं थारे कहीं लागू, क्यों करो मारे टोकड़ी ने जीव तो।
अरे बैनरे टबरिए ने पल में जीवायो क्यों वा बैन तो थारी लागे दियो खम्मा 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 रे कंवरे अजमारा क्यों जीवाओ अरे थारी बहन रे बेटे ने थे जीवा जियो क्यों का थारी बहन लाग गया क्या हैं मैं कहीं लाग गया देख लियो थारो पीर पणो ए रे हाथी कहूं रामदेव जी कहे भाभी ओ तो जीव तो नहीं वेला और इन करते थे मने कोई शराब भी जो देवनी चाहो तो दे सक पर ठोकड़ियो जीव तो नहीं वेला भाभी बड़ी नाराज हुई पछे रामदेव जी देखियो कमियारो केनो कर लो नहीं तो ठीक नहीं मोटा भाभी मारी जगह है अरे टोकड़ियो कौन मारियो खा था उठे एक पीर जाओ तो बाकी रह गयो मक्का गयो को वो हाल हिंदुस्तान में थे वो पीर उन टोकड़ियो हरण कियो को देखा उन्हें किकर दीव तो करावे और हिंदू धर्म ने निभावे सो हम बोलियार रामा राज कुमार टोगड़ियो मरियोड़ो उगो हुओ चरणों में पड़ी हो आए हे रामा चरणों में पड़ी हो आए टोगड़ियो एकदम जीव तो बां बां करन लागो तो भाभी कहे अब मन ने विश्वास हो गया कि थे पीर हो पर रामदेव जी ने दुनिया को नफरत होगी विचार करियो संसार ने छोड़ देना चाहिए इतने में एक दिन आया हो कि आपने सत्संग में पधारण किन जगह सत्संग बोले गुजरात में गुजरात कियो गांव सीतपुर में रामदेव जी महाराज बैर हुआ बैर होते हुगन नहीं हुआ हर तो नहीं आयो और रामदेव जी कहो थे मैंने बुलाओं आयो निमंत्रण देने आयो हाँ बाइक लाओ हाँ नहीं लू क्यों अरे थे लोग धर्म रियार में कहीं धंधो करो 200 धर्म चलाओ स्त्री और साथे थारा कहीं व्यवहार है ए मने सब पतो लागियो इतनी दूर में आया हूं उनमें मने पाप लागो है मैंने आलू ले जाओ आप पाछा ले जाओ बाइक में हाथ में नहीं लियो थारे का नहीं दे और रामदेव जी महाराज ने रीस आएगी इन संसार ने कोई राम जी राजी सा राख सकिया नहीं और कृष्ण जी राजी राख सकिया नहीं आ संसार इन डंगरो दे देवता लोग आवे दावे थोड़ा दिन बोले जाते तो हमारे माथे चढ़ियो रंग और हमारे बाद पाचा कुकर में लाग जावे तो 30 वर्ष की उम्र रामदेव जी महाराज समाधि लेवनी तैयारी की और तलावरी पाड़ ले माथे नगारो मंगायो ढोली ने कहे ढोल बजा अरे ढोल बजा तू ढोल बजा आवाज होनी गांवरा सब लोग इकट्ठा हुआ और पाड़ माथे जमा होए और सोचन लागा के ढोल क्यों बजायो कई बात है तो रामदेव जी कहे ओए सुनो मारा भाईरा लेवो रे समाधि ते मारे रे के ओड़े मत चाल जो जियो खम्मा 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 रे कंवरी अजमारा ये सुनो मारा भाईड़ा में ले मुरे तमती थे तो मारे रे के ओड़े मते चाल जो दी गणी गणी खम्मर रामा पीर ले रामदेव जी महाराज की जय भाइयों आऊं घड़ी घड़ी जय क्यों बोलूं आई एक भक्ति है आप जय और शब्द रहते आप रे मुंडो हिल जाओ बैठे बैठे कैसी सुनने वो आपने पुण्य है प्राप्त अरे बाबा रामदेव जी महाराज है यारी जय जय कार कटे पड़ी भाई तकदीर में लिखी हुई कोई भागशाली ही नाम ने लिया करे
और कलजुगरा देवता रामा शामा अवधो कलजुग बैत करूर अर्ध करूं अदमाल रा हेलो सामल दो जरूर कहीं धर उदल उदर धदा उदल निर्मल नीर राधा कहूं या राम दे थर परचा उदल पीर लोक गीतरी लहर लक्ष्मी दत्त बारठ लई फिरे खमा चौं फेर के परचा रामा पीर रा परचा जो रामा पीर रा दायर शकल जगत मीठो गुणियन गाय बो दीठो लक्ष्मी दत्त और डिंगल कवि लक्ष्मी दत्त जी बारठी रामदेव जी महाराज रो प्रचार कियो और आज गली गली कुंचे कुंचे में हमारा भजनिक भाई खुद भजन बनावे और गावे रामदेव जी ने मनावे मैं बहुत खुश हूँ मामा थे जिके रामदेव जी रा भजन बनावे रखावे गावे और थाने सुनावे उन भजन वालों ने आशीर्वाद है कि खूब आगे बढ़ो खूब बाबे रो प्रचार करो थोड़े बेड़ो पार वाला और रामदेव जी रो भगत कदी अकाल मृत्यु नहीं मरेला आ सोच लीजिए रामदेव जी रे भगत रो कदी एक्सीडेंट नहीं होला मारो दावा है अगर हो जाए तो मारे घरे आज झूठ मार दीजिए कि झूठ बोलता बेईमान मैं तो चैलेंज रे साथे कहूं तो रामदेव जी महाराज सीधा नगाड़ो बजवायो गांवरा भेड़ा हुआ और भाइयों ने बंधुओं ने कहो सुनो रे मारे भाया थे मारे कह माथे हाल जो थारा मनचा बाचा पूरा वेला दो थारे दिल री बात पूरी वेला और एक बात और सुन लो अरे ब्रह्मा रे विष्णु आवे समाधि मत खोद जो थर पीढ़ी रे पीढ़ी पीर होवे मारी रे समाधि मत खोजो मारा पीरा रा पीड़ी पीड़ी पीर सारे होवे लाजियो खम्मा 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 रे कंवरी अजमांगरा रामदेव जी महाराज कहो मारी समाधि पाची मत खोजो क्यों कि कोई न कोई थर में आज विदोग न खेला थन क्रियाहीन करनी चवेला थे किन्न कहना मत मान दो मैं समाधि ले थे मारे कह माते आल दो पीढ़ी पीढ़ी थारे पीर वेला पर समाधि पाची मत खो दो जे अगर पाची खोती तो भाया पर थर में वह शक्ति को नहीं रहला जिकी शक्ति मारे में है आर्या शक्ति हर आने वाले पीर में वेला पर अगर बचनाऊ हीन हो गया तो पथ मैं आपने कहूं कि मारो कहीं बस को नहीं चलेला द्वारकाधीश राजा रणछोड़ भगवान विष्णु रो अवतार बोलिया के थे मारो कणो मान दो अब आ ढोल नगारा री आवाज सुनी डाली बाई नाम री रामदेव जी री भगती है वाह राम रुणे ते आठ कोस आठ हमारा आदरे मन में किलोमीटर कया करे उन उठ रहती ढोल नगारे री आवाज सुनी उस पर लावा झूम झूम ने रामदेव जी री भक्ति गावती मित जोगीड़ो मारो मित जोगीड़ो मित जोगीड़ो मारो मित जोगीड़ो जोगीड़ो लाड लडावेला जोगीड़ो लाड लडावेला ने मारो साथी है जोगीड़ो साथी है जोगीड़ो भैरुड़े ने पत्र पतारो और चढ़ बैठा छाती पर महा काल पर बाल चढ़ो जू शेर चढ़े हाथी पर दीन दयालु बाबा खम्मा खम्मा गावा दीन दयालु बाबा खम्मा खम्मा गावा बिगड़ी बनावन बेका आवो दियो मारो साथी रे हे मारो बेली हे मारो साथी रामयो दी तन्नरे तंदूरे माथे भजन थारा गाऊना हे तन्नरे तंदूरे माथे भजन थारा गाऊना हिवड़े में जोत जगाऊं दी हो रामा जुड़े में जोत जगाऊं दियो मारो साथी है जगी साथी अरे जोगी लो रे मरड़ो साथी दीरे साथी थारे संग
बांधी अब किने संग बंदूरे जोगिड़ा ये लागोड़ी नहीं मारी छूटे ओ रामदे ये लागोड़ी नहीं छूटे थारा गुण गाऊंगी ए दीन दयालु बाबा दीन दयालु घरे आवजो बोलो रामदेव जी महाराज की जय। इन प्रकार डाली बाई भजन गावती मन रे मैं मस्त होती इतने बड़े पाची नगारे की आवाज ढोल की आवाज कान में आई बोलो रामदेव जी महाराज की जय। नगारा री आवाज सुनी और डाली भाई मन में विचार करे नगारा क्यों बाजे आज थड़ा माथे रूनी थे में क्यों तो आगी होती नहीं क्यों आगी होती गांव रा लोगों ने बामन दे दी कह कवा ने दुनिया भर रहा है वो उन्हें अच्छा को नहीं करता बुरा समझता रामदेव जी महाराज रे इस तरफ कोई और विचार दूसरे डंगरो हो इन वास्ते डालू भाई वो गांव ही छोड़ दियो और गांव रे शीन रे मन जाने रेवन लागी उन पिताजी नो अखो दिया अखो जी डाली भाई टोकड़ी अगड़ी आज रामदेव जी चरण आता उन्होंने वह घास खिलाती तो प्रेम हो ये रामदेव जी महाराज रे टोकड़ी आने तांतिया लला तोड़ तोड़ नाती खवाड़ पर ढोल नगारे री आवाज सुनते ही मार्ग बहते हुए एक आदमी ने कहो अरे मार गिए दवता बीरा कठिन हुआ आयो ए रूनी थे में बादा की करवा दे दियो खम्मा 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 रे कंवर अजमालरा सतो सतो भेद बता दो दियो खम्मा 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 रे खम्मा रे अजमाला हे बीरा आज रुणी थे बाजा की कर बाजे मैंने बता रस्ते पे तो आदमी कवन लागो बाई दी रुणी थेरा राजा बाई बाई अरे रूनी चरा राजा भाई लेवे रे समाधी और ढोल ने नगारा बाजे दियो खम्मा 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 रे कंवरी अजमालरा भीड़ लगी तो डाली यूं बतलाई खम्मा खम्मा बाप जी ये खम्मा खम्मा बाप जी ने गावा जी गणी गणी खम्मा रे खम्मा रे अजमालरा जड़ भीड़ लागोड़ी थी बड़ा बड़ा सरदार उबा साध मारा तिलक करियोड़ा कंठियों घालोड़ी कई नाथ संप्रदारा और कई तरह रा संत महात्मा भेड़ा होड़ा तो सब संत नहीं आओ मैं थोड़ा घड़ा असंत भी हा डाली भाई रे आवती कौन लगा हे बामण बारे निकल तालाब रे मैं की करा गई हाल तू पानी में पग नहीं दियो मारो तालाब भ्रष्ट कर देला देखो भाइयों केड़ा जमाना
एक पग कितने आदमी रो लगन सो पानी और धर्म हिंदू रो टूट जावे तो कमजोर धर्म क्यों राखो भाई। धर्म कोई मोटर रो एक्शन तो है कोई टूट जावे, धर्म राखो तो पक्को राखो। है पांच तत्व ए तो है नहीं दुनिया रे में सबरे काम आवे है, सबने हवा लागे, सबने बादी मिले, सबने रोटी मिले, सबने हवा लागे पानी मिले। ए नहीं समझे को हिंदू एक मुसलमान एक बम्बी है एक ढोली है जे इन्हें पानी नहीं पीण से नहीं गलत चीज है। ए, ए, अब छोड़ो संसार बातों ने और आगे चलो देश ने आगे बढ़ाओ। रामदेव जी महाराज जी आई चाहता इन वास्ते डाली ने मन में प्रेरणा दी कि तू दौड़ना। डाली आई रामदेव जी ने खम्मा गणी बाप जी ए डाली भाई ए लोग नाराज हो रहा है तू क्यों आई मैं। रामदेव जी बोले मत आ जा बारे जा क्यों जाऊं बारे बाप जी मारो हक है जो हक ले आई हूं कहीं हक है धारो कि आज नमरो दिन मारो है बाजार सुधी नमरो दिन मारो है मैं समाधि ले हूं और आज जगह थी खोद रिया नहीं बंद कर दो इन्हें ए बेलदार खेतिया बेलदार बंद कर क्यों भाई क्यों बंद करो कि महाराज निशान गड़ियोड़ा है। रामदेव जी कह थारा निशान बोले हाँ आई तो बात है बतावनी चाहूं दुनिया ने कि महाराज मैं कहीं हूं कहीं नहीं हूं। ए आठी डोरा कंग सीध निकले आठी ने डोरा धनिया कंग सीध निकले मारी रे तम्मा दीते तो जान जो हो दियो खम्मा 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 रे खावा रे अदमा लरा घर अवतार लियो ए लीलुड़ सवार थे आग में भालो लेने हिंदवा हक का पिया दो हिंदवा पीर क्यों लगा तो डाली भाई कहो आठी डोरा कांगसीन खाडेर में निकल जाए तो समाधि मारी खोदते खोदते समाधि ने खोदी में आठी डोरा कांगसीन निकलिया। आठी कहीं है करे भाई मैं आजकल हैरान हूं आठी है कौन के बाय तो बाल ही कटा ले। पहला तुलसीदास जी लिखियो के नारी कुंचित केसा लुगाई रखने एक चीज रह जाला कई बाल रो श्रृंगार सोना चंदी है गायब हो जाला कोई बालों ने लारे कर दिया कोई दो चोटी कर ला कोई एक कर ला एक लारे कोई मोटा और मटकी हुई जो कहीं जुड्डो कह कर वो कर देला। तो कहना मतलब है कि डाली भाई कहो कि मारो आठी डोरा कंकणी कण कण मा तेरो कंकणी कण कण मा तेरो कंकणियो हाथों रो चुड़वो टूट गयो आँखों रो कादल रड़क गयो मा तेरी बिंदिया ला 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 ला। और एक राजपूतानी श्रृंगारी बात में कह दी पति रो सुनियो कि पति मार गुजर गयो है युद्ध में काम आ गयो है देवे माथा देशने जग माथा झुक जाए दिवला दले देवरों है गौरव गाथा गाए। तो पति रो हुणते ही दम बाल खुलने पड़ गया लंबा ऊंचा हो गया और सती रे माते सिंदूर लीलाड़ बीजो थेतड़ और हस्ती हस्ती पति ने खोले मिले अग्नि रमाय बैठ गई हरिओम हरिओम री आवाज साथ अग्नि प्रकट हुई और सती आपरे सती धाम ने गई। इन भारत रे माए लोग सतियां होती पर एक बात और है घनी जनी नहीं होती कई दिन तो माडो नहीं कर दे होता रिशो बढ़ता रात में गड़बड़ घनी होती पर कोई कोई सती होती आप बात जरूरी। रामायण में लिखा है कि सलोचना सती हुई तो तुलसीदास जी कोई झूठ थोड़ा ही बोलता। हाँ तो सुनो अब रामदेव जी महाराज कहो धन धन डाली ए धन धन डाली भाई बचन री साथी धन गुरु मिलिया कोई साथी ए साथी गुरु री तू साथी रे तेली ए अपना ऐलान बतलाया जियो खम्मा 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 रे कंवर अदमाला रामदेव जी कह धन है डाली भाई थाने तू साथे गुरु री चेली है। डाली भाई के गुरु आप ही तो मन में के गुरु आप ही दूजो कटो लाऊ थाऊ को मोटो सतवादी गुरु तो कोई मिले को
थायत को बताया आठी डोरा कांक्षी निकलिया। अच्छा अब मैं कट समाधि लू ला मारी जगह भी तू बता दे। तो डाली भाई थोड़ी सी आगे जाए और एक आंगली दूर मत साखियो मांडियो और कहो आ जगह समाधि री आपरी इन जगह आप समाधि लो ला। और आज रो दिन है नम्रो तो मारो दसम रो दिन आप दुनिया ने जम्मो दे जगन दे धर्म ही कही दो ज्ञान ही कही दो। ग्यारस ने आप दिनों के समाधि लो ला ग्यारस ने दिनों के ब्रह्म मुहूर्त में आप समाधि लेनी है आपने। बोलो देखो अब एक ब्राह्मण है लोग कह नहीं बामी कहीं फलाना कहीं अरे देखो कितनी है भाई भगत आत्मा है। रामदेव जी ने सब सही समय में बता रही पंडित जी नहीं बता सके कि डाली भाई बता रही है मान शक्ति थी वो जगदम्बा थी डाली भाई मामूली बात नहीं थी। बोलो रामदेव जी महाराज की मगर कहीं है कि आज तक ये बात तो छुपी रही क्यों छुपी रही कि कैसी ना कोई और दूजा लोग गाउन को देता नहीं अंट संट कर अटी अटी कोई तारीफ कर दे होता सेंट्रल कार में ठोकता लोग। आज वो जमाना खत्म हो गया है और आप स्वतंत्र हैं तो अपने सब अधिकार है बोलना और अभी अधिकार है कि रूणी थे में आओ तो बाबा रामदेव जी का समाधि का दर्शन करो डाली भाई रे समाधि का दर्शन कर और रूणी थे में स्टेशन रोड और माथे ही रामदेव रामदेव सत्संग भवन द्वारका नाथ की हवेली उन जगह आ नागर आप दर्शन नहीं करो ला तो आपकी यात्रा अधूरी गिनी देना पूरी नहीं गिनी देना। दर्शन करने द्वारका नाथ की जय हो। तो कहीं निकले ला ए पात्र पीतांबर खड़ा उदन तीरे लाली भाई कहे पाट पीतांबर धनिया खड़ा उदन तीरे अरे थारी रे समाधि पे तो दान दो दियो कमा 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 रे कमारी अजमारा अरे दुखना लागा नैन रे दर्श बिना दुखन लाग देखो देखो तत समाधि में खोदी देखो देखो तत समाधि में पाठ पीतांबर निकलिया दियो पाठ पीतांबर और खड़ाऊ जो ने दुनिया चकित भई कम्मा 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 रे थवरी अभिमाला बोलो रामदेव जी महाराज की जय। अब समाधि ने खोदी तो समाधि खोते खोते खासी ऊंडी गई मैं पाठ पीतांबर और खड़ाऊ ए चीजों निकली बारे काटी गई धूप भी जो करी उन्होंने। रामदेव जी कह हमारा गांव रे प्रजाजन सब भाई जितना भी उबा हो आ डाली भाई जातरी ब्राह्मण है गए इनने आणु तालाब खराब हो गया किसान पर इन की चीजों बताई हुई सब निकली थे बता सको आप लोग बताओ कहीं खाडो खोदो कहीं निकली एक जन बोलियो सा हमारा प्राण निकले बस तो खाली निंदा ही कर दा। अरे संत की निंदा मत करो भगत की निंदा मत करो भगवान सहन को नहीं करे आप रो अपमान भगवान सुन ले पर भगत रो सुनने वास्ते असमर्थ है इन्हें वास्ते भजन भाव कीर्तन सुनो आनंद करो। अरे मैं तो कहूँ बुराई की नहीं करनी नहीं चीजें क्यों बुराई करने वालों एक साबू तो घड़ो ही मोटो गिनी दे हमारी जितनी लोगों बुराई की मैं जितो ही आगे बढ़ी इन दो तुम्हें घड़े अपोजिट हुआ रामदेव में पर जितने लोग अब सब गुरु कह रहे हैं नहीं जान वालों के गुरु जी मारो नाम मोहनदास और गुरु साहब को बतला क्यों कि मैं यहाँ सब बातों सुनी सहन करी और मत कदे अकड़ियों नहीं लड़ाई नहीं की मारी जिंदगी में किन्ने कदे थप्पड़ नहीं मारी कदी जिंदगी रे मई। तो रामदेव जी कह भाया सोखा काम कर दो और
मारी समाधि आठी डोरा कांसी निकलिया, आठने वो निकलिया तो पहले नम्र दिन रामदेव जी डालीबाई ने समाधि में बैठाई। डालीबाई ध्यान लगायो और बोली ओ